नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के जो इतने पेपर हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान हो गया है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, इंग्लिश, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदमी पढ़ने के बाद उसे आसानी से सॉल्व कर लेता है, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा है कि आप इसे एक बार में याद नहीं रख सकते। और मान लीजिए कि अगर आपको इकट्ठा दे दिया जाए तो उसे आप पढ़ भी नहीं सकते। और इसी के मद्देनज़र हम आप सभी को डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि आपको डोज जो दिया जाए उतना दिया जाए, जिससे कि आप आसानी से उसे लॉन्ग टर्म याद रख पाएँ, और अगर किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो उसे आप सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों इसी के मद्देनज़र मैं आप सभी के लिए आज महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें से कि आपको 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ, जिससे कि आपकी रिविजन भी हो जाएगी। तो आप इसे रिविजन कर सकते हो कि और देख पाओगे कि कितने प्रश्न जो है आपके पहले से जो पढ़ा है आपने आपको याद है। तो जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, बता दें कि चैनल पर रोजाना आपको करंट अफेयर्स का सेशन दिया जाता है, और पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख पाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तभी आप सभी तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। और अपना सहयोग देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर अपना प्यार देना चाहते हैं मुझे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 1.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है? TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए पिक भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं और आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को पेट्रोलियम और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ष के मार्च में जो समाप्त हुआ है चौथी तिमाही, इसमें 1.4 अरब डॉलर अर्थात 9435 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत बड़ी रकम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य घोष ने किस कंपनी के अध्यक्ष और डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पिक दिख रहा है आपको यही है, आदित्य घोष, और जो ये आपके इस्तीफा दिया है वो दिया है इंडिगो एयरलाइंस से, और ये है इंडिगो एयरलाइंस। हाल ही में आदित्य घोष ने सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो के अध्यक्ष और डायरेक्टर पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है, और वे 10 साल से इंडिगो का हिस्सा रहे हैं। इंडिगो ने कहा है कि उन्हें पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी जो है सौंपी है। इनके हटने के बाद और इनका जो कार्यकाल है वो अभी रहेंगे, जुलाई में ये अपनी पद को छोड़ेंगे, और तब तक के लिए अंतरिम जो है सीईओ वो बनाया गया है राहुल भाटिया को। तो आप मेंशन कर लीजिएगा राहुल भाटिया जो है अंतरिम सीईओ होंगे इंडिगो एयरलाइंस के। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह किस खेल के आयोजन का फैसला किया है? 50-50 विश्व कप, विश्व T20, IPL, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, इसका सही जवाब जो होगा वो आप सभी को पता है विश्व T20। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC, जिसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो चेयरपर्सन है शशांक मनोहर है, और आपको बता दें कि जो 2021 में भारत में आयोजित होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, उसे अब समाप्त करके उसके बदले विश्व T20 करवाने का फैसला लिया गया है, और ICC द्वारा 8 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस क्रिकेट फॉर्मेट को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर नीति आयोग। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय मानक ब्यूरो, यानी BIS। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हाल ही में अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिए मैसेज गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड को पहला लाइसेंस प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सितांशु यश चंद्र को किस सम्मान के लिए नामित किया गया है? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, सरस्वती सम्मान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं यही है सितांशु यश चंद, और इनको जो दिया गया है वो दिया गया आपको सरस्वती पुरस्कार के लिए, यानी ऑप्शन ग। हाल ही में 27वां सरस्वती सम्मान दिए जाने की गुजरात के प्रमुख कवि, नाटककार और विद्वान सितांशु यशचंद्र को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर कोरिया और कौन सा देश परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सहमत हुआ है? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, या फिर सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा वह होगा दक्षिण कोरिया, और जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर और दक्षिण कोरियाई जो नेता हैं उन्होंने ऐतिहासिक शिखर बैठक के बाद विभाजित प्रायद्वीप में अस्थायी शांति और पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा की ओर आगे बढ़ने का इरादा व्यक्त किया है, और इसी के मद्देनज़र परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दोनों ने अपनी सहमति दी है।
क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी 80,000 लोगों को नौकरी देने के लिए भर्ती करने की योजना बना रही है? एयरटेल, आइडिया, रिलायंस जियो या फिर डॉल्फिन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है और आपको अच्छे से मैंने बताया था, इसका सही जवाब जो होगा होगा रिलायंस जियो। देश की नई टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो और आप सभी को पता है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 75,000 से 80,000 लोगों को भर्ती करने की योजना बना रहा है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी जो हैं उनका नाम है संजय जोग और उन्होंने एक हैदराबाद के कार्यक्रम के दौरान इसी बातों को कहा है। और ऐसे अगर होता है तो बहुत से हद तक बेरोजगारी जो है कम की जा सकेगी। माइक पोम्पियो को किस देश का 17वां विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? चीन, जापान, अमरीका या फिर ब्रिटिश। तो दोस्तों आप सभी को पता है, क्वेश्चन को मैंने आपको कल ही बताया है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कितने आपके प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों होगा अमेरिका। हाल ही में CIA के पूर्व निदेशक माइक पोम्पियो ने अमेरिका के 17वें विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है और अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी और वे रेक्स टिलर्सन के स्थान पर पद संभालेंगे। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि माइक पोम्पियो जो थे वह CIA के पूर्व निदेशक थे और वे जो विदेश मंत्री बने हैं वो 17वें विदेश मंत्री होंगे अमेरिका के, और वे जो पदभार ग्रहण किया है किसके स्थान पे किया है, तो किए हैं रेक्स टिलर्सन के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, BCCI ने किस खिलाड़ी का द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नाम भेजा है? सचिन तेंदुलकर, जाहिर खान, राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने इस पे आपको विस्तार से बताया था और आपको बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वह खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो इसके लिए सही जवाब जो है दोस्तों वह है राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने देश की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड चैंपियंस बनाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि इस सेशन का आपको लास्ट प्रश्न होगा। इनमें से किस बैंक ने टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 1% बढ़ा दिया है? RBI, यस बैंक, HDFC बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों हमने इसे आपको विस्तार से बताया था पिछले वीडियो में, तो इसे आप आसानी से याद रख पाए होंगे। अगर नहीं रख पाए आपने तो चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आपको बता दें इसका सही जवाब होगा HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने टर्म डिपॉजिट पर 100 बेसिक पॉइंट्स यानी 1% बढ़ा दिया है। अब HDFC बैंक ग्राहकों के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए रकम जमा करने पर 7% और वरिष्ठ नागरिक जो होंगे सीनियर सिटीजन होंगे उनको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, 100 बेसिक पॉइंट जो होता है इसका मतलब होता है 1%, ठीक है? तो इसे आप मेंशन कर लीजिएगा। और दोस्तों बता दें कि इस सेशन में अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।